एक टाइम था जब भी हम मीना सर्वर वर्ड सुनते थे ना, हमारे दिमाग में सबसे पहले आता था हैकर, पैनल यूजर, स्क्रिप्टर, यही सब आता था। इसका सबसे बड़ा रीजन थे तीन बंदे, सबसे पहले वाइट 444, दूसरा बंदा रोक FF एंड तीसरा बंदा ब्रोकन गेमिंग। इन तीनों बंदों ने मिलकर ना पूरे सर्वर की ऐसी तैसी कर दी। सेम हाल को चमकते हुए चमत्कारी चूतियों ने हमारे इंडियन सर्वर का कर दिया है अभी के टाइम पे। अब मैं तुमको क्या बताऊं, ये जो सीन चल रहा है ना भाई, बहुत गलत चल रहा है, मैं तुमको यही बताऊंगा। और ये लोगों के नजर से छुपा हुआ है, अभी से नहीं ऑलमोस्ट एक साल से छुपा हुआ, मतलब इन शॉर्ट तुम ये समझो लोगों को चूतिया बनाया जा रहा है एक साल से। और कमाल की बात ये है कि हम लोग चूतिया बन भी रहे हैं, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले हम चलते हैं इतिहास में। अब तुमको याद होगा हमने एक वीडियो बनाया था प्रो नेशन एक्सपोज, जिसके अंदर हमने प्रो नेशन को एक्सपोज करा था। बेसिकली वो वीडियो चार प्लेयर्स के ऊपर था, पीएन जेम्स, पीएन कामी, पीएन ब्लैक एंड पीएन फ्लैश। ये चार बंदे थे जो कि उस टाइम पे जादू का प्रदर्शन कर रहे थे, जिसको लेके हमने वीडियो बनाया। उसके बाद हर्ष ने, यानी कि प्रो नेशन के लीडर ने, सॉरी बोला वीडियो में आके, उन सारे प्लेयर्स को गिल्ड से किक करा। सारा कुछ सीन वहीं पे शॉर्ट हो गया। तो गाइस प्रो नेशन में जो प्लेयर्स की क्लिप देखिए आपने, जिसमें फ्लैश और जेम्स था, तो गाइस आपको बता दिया जाए पहले तो उन लोगों को किक कर दिया गया है, ठीक। उसके बाद मतलब दिल से बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट आ गया था हर्ष के लिए, क्यों, क्योंकि भाई बंदा अपनी गलती एक्सेप्ट करा, एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर उन प्लेयर्स को किक कर दिया। ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है, और इस समय मैंने ये चीज बोला भी था कि भाई ये बंदा सच में रिस्पेक्ट डिजर्व करता है, लेकिन करता था, अब नहीं। क्यों, वो मैं तुमको बताता हूँ। देखो अभी से रिसेंटली कुछ टाइम पहले मेरे को पता लगा कि पीएन ब्लैक करके जो नया बंदा आया है ना प्रो नेशन के गिल्ड में, वो है पुराना प्लेयर पीएन बिसेबो। ये बिसेबो वही बंदा है जो कि उस टाइम पे किक हुआ था, तो फिर वापस से इस बंदे को गिल्ड में क्यों लिया गया नेम चेंज करके। अब देखो उस समय मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि कहीं ना कहीं एक और चीज थी कि ब्लैक के बारे में, यानी कि बिसेबो बोल लो, ब्लैक बोल लो या चूतिया बोल लो, जो भी तुम बोल लो, इसके बारे में प्रॉपर प्रूफ्स नहीं थे उस टाइम पे, ठीक है, तो इस वजह से मैं भी कुछ नहीं बोला। दूसरी बात आती है पीएन जेम्स की। पीएन जेम्स को इन लोगों ने गिल्ड में लिया, उसका नाम हुआ पीएन मर्सी। उस बंदे के लिए भी मेरे अंदर कुछ भी नहीं है कि उसको क्यों लिया गया, क्योंकि उस बंदे ने ना ऑडियंस से एक चांस मांगा है और पूरी माफी मांगी। उस बंदे ने वीडियो बनाई, खुद से एक्सेप्ट करा कि मैं पैनल वगैरह यूज करता था, देर सबेर बहुत लेट उसने अपनी गलती रियलाइज करी, लेकिन एटलीस्ट करा तो। देर आए पर दुरुस्त आए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अब जिन प्लेयर्स की बात करने वाला हूँ ना मैं, उनका नाम सुन के तुम्हारा भी दिमाग खराब होने वाला है। जो बंदों का नाम है काई XT एंड टाइसन XT। अब ये दो बंदे ना आपस में भाई हैं, ठीक है, मतलब सचमुच के भाई हैं, सिर्फ कहने वाले नहीं, नाम के भाई नहीं, खून का रिश्ता है दोनों के बीच में। और अगर तुम लोगों को याद नहीं आ रहा है तो मैं तुम लोगों को याद दिला देता हूँ, ये काई XT वही बंदा है जो कि पैनल सेलर है, और ये बंदा बहुत ज्यादा खतरनाक है। मतलब एक तरीके से तुम बोल लो जितना नॉलेज जेम्स को है ना ये चीट फंड का, उससे ज्यादा नहीं तो उससे कम नॉलेज भी नहीं इस बंदे के पास है, जिसका नाम है काई XT। ये बंदे को ना पैनल वगैरह से रिलेटेड A to Z सब कुछ मालूम है, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इंडियन सर्वर में पैनल लाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ इसी बंदे का था। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। और इसका भाई टाइसन XD जो कि कस्टमर खोज खोज के लाया करता था। एंड कमाल की बात तुमको पता है, ये दोनों भाई अभी के टाइम पे प्रो नेशन गिल्ड में है। अब ये सुनने के बाद तुम भी शॉक्ड हो गए होगे, सेम टू सेम मैं भी शॉक्ड हुआ था। अब तुम ये सोच रहे हो कि भाई अगर ये गिल्ड में तो हमें पता कैसे नहीं लग रहा है, तो तुम लोगों को बता दूं, अगर तुम लोग प्रो नेशन को फॉलो करते हो या कहीं से जानते हो, थोड़ा मोरा तो जानती होगी ऑब्वियस सी बात है। जब मेरे को ये बात पता लगी ना कि केविन ही काई है और का ही केविन है, तब मैं सोचा कि यार हो सकता है हर्ष को ये चीज नहीं पता हो, जैसे हम लोगों को नहीं पता। बट हर्ष को ये पूरा का पूरा सीन मालूम था, अब स्टार्टिंग से मालूम था, डे वन से या बाद में पता लगा ये मेरे को नहीं पता, लेकिन हर्ष को ये सारी चीजें मालूम थी। मालूम होने के बाद भी उसने उस बंदे को गिल्ड में रखा, सब कुछ करा। अब देखो वो बंदा अभी के टाइम पे फेयर खेलता है या नहीं खेलता ये ना मैं जानता हूँ ना तुम जानते हो, बट एक टाइम पे तो था ना वो पैनल यूजर। तो जब तक वो बंदा पब्लिकली खुद आके माफी नहीं मांगता है, जब तक तुम उस बंदे की आइडेंटिटी क्लियर नहीं करते हो कि ये बंदा वही पुराना काई XT है जो कि कर था, तब तक तुम कैसे ऑडियंस को चूतिया बना रहे हो। मतलब ऑडियंस का तो चूतिया बनाया जा रहा है ना भाई, तुम इनडायरेक्ट समझो। चलो ठीक है, मान लिया एक सेकंड के लिए, चलो अज्यूम कर लिया वो बंदा भी फेयर खेलता है, क्या नाम उसका, केविन या काई, लेकिन एक टाइम पे यूज करता था ना, अब यूज करता था, अभी सुधर गया, तो सुधरने के लिए पहले ये ऑडियंस के ऊपर है कि ऑडियंस उसको चांस देना चाहती है या नहीं। ये हर्ष के हाथ में नहीं या मेरे हाथ में नहीं कि किसी बंदे का नाम चेंज करके किसी पुराने हैकर को गिल्ड में रख ले और उसको प्रमोट करे। ये पूरे तरीके
से गलत है। अब इसके ऊपर तुम क्या सोचते हो मेरे को बताना। लेकिन ये सारी चीजें ना, ये तो वही बात हो गई कि पुराने चोर वापस से अपना शरीर समाज नाम बदल के आ रहे हैं, जो कि हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती है। इन चीजों को अगर अभी रोका नहीं गया ना, तो कल को पता लग गया जो भी वो पुराने हैकर्स गेम छोड़ के जा चुके हैं ना, सारे के सारे वापस आके वापस से इंडियन सर्वर को बर्बाद कर देंगे। और मीना सर्वर बनते ना इंडियन सर्वर को देर नहीं लगेगी, ये चीज मैं तुमको बता दे रहा हूँ। दिल से बुरा लगता है यार। जो भी ये चीज है भाई, इसको मैं यही उम्मीद करूंगा हर सब कुछ बोले बताए, क्योंकि भाई इतनी बुरी चीज, मैं भाई कसम से भाई, तुम लोग मतलब टॉप गिल्ड्स हो, इंडिया के टॉप गिल्ड्स में काउंट किया जाता है नॉन स्टॉप क्लासी, और उनके साथ अगर तुम्हारा नाम जोड़ा जाता है तो भाई थोड़ी रिस्पेक्ट तुम्हारे अंदर खुद की भी होनी चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट। तो तुमने जेम्स को अभी के टाइम पे गिल्ड से किक कर दिया है ये बोल के कि वो पास्ट में बहुत सारी गलत चीजें करा है, तो वाई नॉट केविन एंड ब्लैक, इन लोगों ने भी तो करा है ना भाई, तो इनको भी किक करो। अगर एक बंदे के लिए इनजस्टिस हुआ है तो बाकियों के साथ ऐसा क्यों? ये तो पूरे तरीके नेपोटिज्म हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, तो क्यों आखिर ऐसा क्यों? तो बस ज्यादा बातें नहीं करेंगे, मेरे को तुम लोगों को सच्चाई बताना था जो कि मैं बता दिया, और ये जो है फर्स्ट एंड लास्ट वीडियो आने वाली है इस टॉपिक पे, इसके बाद मैं इस पे नहीं बोलना चाहूंगा। बट ऑडियंस को बोलूंगा यार देखो कब तुम्हारा कौन चूतिया बना के चला जाए, इन चीजों से थोड़ा बच के रहो, क्योंकि हर बार हर टॉपिक में मैं आके तुमको नहीं बताऊंगा। एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ शेयर कर देना। देखो शेयर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों को ना बहुत बड़ा चूतिया बनाया जा रहा है यहाँ पे, तो तुम्हारा एक शेयर तुम्हारे दोस्तों को, तुम्हारे घर परिवार को चूतिया बनने से रोक सकता है। मिलेंगे आपसे एक न्यू एंड फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, स्प्रेड लव।